Assalamualaikum, welcome to Business Link Consultancy. मैं हूँ ज़ैनब तारिक चीमा and just like every time I have a really nice business idea for all of you. अगर आप दुबई में कोई अच्छा business start करने का सोच रहे हैं तो you can start with furniture for offices. Offices जो होते हैं they look for a particular furniture और हर रोज यहाँ पर इतने businesses शुरू हो रहे होते हैं, इतने offices होते हैं, they are renovating हर साल बाद, कुछ महीनों बाद नया सामान आ रहा है, जा रहा है. So ऑफिस का जो फर्नीचर है टिपिकली यू कैन स्टार्ट विद दैट. आप इसके अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं अपना, कहीं से भी किसी भी मुल्क से आप अपना फर्नीचर मंगवा सकते हैं. यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी आप हैं, आप वहां से अपना फर्नीचर मंगवा के ऑफिस में कर सकते हैं. नहीं तो आप यूएई में ही, अगर आप यू लुक अराउंड, यू सर्च, यू कैन गेट अ रियली गुड फर्नीचर. आप यहाँ पर सस्ती शॉप देख सकते हैं, सस्ता फर्नीचर देख सकते हैं जो आप टिपिकली अपना पसंद करके ऑफिस के लुक के हिसाब से, जब लोग आपको अप्रोच करेंगे कि दिस इज अ लुक आई वॉन्ट फॉर माई ऑफिस या इस तरह का फर्नीचर मैं चाह रहा हूँ, तो आप वो ढूंढ के उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. थर्डली, आप अपना फर्नीचर खुद बनवा भी सकते हैं इफ यू हैव द राइट पीपल, इफ यू हैव द पीपल, प्रोफेशनल पीपल हु नो कि ये सोफा है ये किस तरह बनेगा, कितने का बनेगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल रहा है उसके अंदर, अगर आपका टेबल है वो कैसे बनेगा, ए टू जेड प्रोफेशनल जिनको सारा फर्नीचर बनाना आता है फ्रॉम स्क्रैच, आप उनसे भी फर्नीचर बनवा के आप आगे शुरू कर सकते हैं. आप इसके लिए इफ यू आर स्टार्टिंग विद दैट लेवल, इस लेवल का कह रहे हैं कि आपका इतना फर्नीचर आपके वेयर हाउस में हो गए, ऑफिस में हो गए, आपकी जगह चाहिए जहाँ पे आपका फर्नीचर होना चाहिए, देन ऑफ कोर्स यू नीड अ ऑफिस और अ वेयर हाउस फॉर दिस जहाँ पर आपका ये सामान होगा. मीनवाइल कंपनीज आके, ऑफिसेज आके वो सामान उठा नहीं लेते या फिर आप उनको भेज नहीं देते, तो तब तक यू नीड अ शॉप और अ वेयर हाउस फॉर दिस एज वेल. तो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, अपना बनवा सकते हैं या ढूंढ के आप आगे प्रोवाइड कर सकते हैं. ये आपका बिजनेस ग्रो कैसे होगा, इवेंचुअली आप डिफरेंट ऑफिसेज में जाएंगे, आप डिफरेंट मॉल्स में जाएंगे, आप डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे, आप देखेंगे कौन से ऑफिसेज हैं, उनको जाके आप अप्रोच करेंगे. एक डोर बाय डोर इसकी मार्केटिंग हो सकती है कि आप देख सकते हैं कौन से ऑफिसेज हैं वो आर लुकिंग टू रेनोवेट. वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट आपका नाम खुद ही बनता जाता है कि जी ये कंपनी है ये प्रोवाइड कर रही है, तो दैट इज अ ग्रेट सोल्यूशन. या फिर आप इसको ऑफकोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, इस पर एड्स रन करें, आप अपने अच्छे से पंपलेट्स बनवा रहे हैं या आप अपने सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो उस पर अच्छी एड्स रन करें, टारगेट ऑडियंस अपनी देखें, अपनी एरिया देखें, उसके अकॉर्डिंगली दिस इज हाउ यू कैन मार्केट दैट. आप इसको अच्छे से मार्केट करके फिर जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका लाइसेंस, क्योंकि यूएई में अगेन मैं आपको हमेशा कहती हूँ आप लाइसेंस के बगैर अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते. अगर आप कर लें तो उस पर बहुत हैवी जुर्माना होता है. तो लाइसेंस के लिए जस्ट कम टू बिजनेस कंसल्टेंसी, आप हमारे पास आएंगे, हम आपको लाइसेंस बना के देंगे, हम आपको ए टू जेड गाइड करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपका एमिरेट्स आईडी, आपका लेबर कार्ड, ए टू जेड आपको हम लोग गाइड करेंगे. उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान की जरूरत नहीं है. तो आपके इसके अंदर कॉस्ट क्या आएगी वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल किस तरह का है, आप किस तरह फर्नीचर को बनवा के आगे भेज रहे हैं, तो वो सारी चीज आपको जस्ट कम टू अस एंड वी कैन गाइड यू द कॉस्ट एंड स्टेप बाय स्टेप कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या होगी. आपको जो वीजा मिलेगा वो आपका भी होगा, आपके पार्टनर के साथ अगर आप कर रहे हैं तो पार्टनर का वीजा भी होगा, अगर फैमिली को बुलवाना चाह रहे हैं उनका वीजा होगा, तो ये सारी चीजें इसके अंदर शुमार हैं. तो बाकी अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस बिजनेस को शुरू करें. अगर आपको कोई मजीद चीज समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना चाह रहे हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल अस और व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, या आप हमें विजिट भी कर सकते हैं अराउंड दुबई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.